नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इकोमार्ट में। दोस्तों, जैसा कि स्किल इकोमार्ट का आप सभी से वादा रहता है कि आपके लिए स्किल इकोसिस्टम में हर रोज जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनकी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। उसी कड़ी में दोस्तों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन टेंडर लेकर हम फिर से हाजिर हैं। क्या है ये टेंडर, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका फी स्ट्रक्चर है, कितना पैसा आपको मिलेगा, क्या आपको काम करना होगा, जानते हैं आज की इस वीडियो में। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स को आमंत्रित कर रहा है ट्रेनिंग देने के लिए। 450 कैंडिडेट जो हैं आपको ट्रेन करने होंगे और आपका जो एम्पैनलमेंट पीरियड है वो होगा दोस्तों 3 साल का। बात यदि फी स्ट्रक्चर की करते हैं तो 795 रुपए इस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन फीस होगी और 20,000 रुपए की ईएमडी होगी दोस्तों, जो आपको ऑनलाइन अपने डीएससी के माध्यम से जब आप इस प्रपोजल को सबमिट करेंगे तो आपको पे करनी होगी। बात यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की करें तो दोस्तों बिल्कुल ही नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सभी लीगल एंटिटीज, चाहे आप कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, चाहे आप कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे कोई सोसाइटी है या ट्रस्ट है, आप सभी इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10 लाख रुपए टर्नओवर आपका पिछले 3 वित्तीय वर्षों का होना चाहिए और पिछले 5 वित्तीय वर्षों के अंदर आपने कम से कम 200 बच्चों को ट्रेनिंग दी हो और उनमें से 50% कैंडिडेट यानी कि 100 कैंडिडेट को कम से कम आपने रोजगार प्रदान किया हो। एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये रखी गई है दोस्तों कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा, किसी संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्टेड ना किए गए हों। बात यदि प्रोस्पेक्टिव सेक्टर्स की करते हैं दोस्तों तो टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, फूड प्रोसेसिंग जैसे जो सेक्टर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जॉब रोल की बात करें तो दोस्तों सेविंग मशीन ऑपरेटर, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, इस तरह के जॉब रोल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। और आपको ये जॉब रोल का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखना होगा कि आपके जॉब रोल की ड्यूरेशन 200 घंटे से ज्यादा की हो। बात करते हैं दोस्तों इवेल्युएशन क्राइटेरिया की। इवेल्युएशन क्राइटेरिया के अंदर आपको जो है 7 चरणों से गुजरना होगा। उन 7 चरणों के आपको अलग अलग नंबर दिए गए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस कितना है, आपकी संस्था कितनी पुरानी है। यदि आपकी संस्था 3 से 5 वर्ष पुरानी है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और यदि आपकी संस्था 5 वर्ष से ज्यादा पुरानी है तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे दोस्तों, जिसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। बात यदि फाइनेंशियल हेल्थ या फिर आपके एनुअल टर्नओवर की करें दोस्तों तो इसके अंदर यदि आपका 10 से 20 लाख रुपए टर्नओवर है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 20 से 50 लाख रुपए टर्नओवर है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और यदि आपका 50 लाख से अधिक टर्नओवर है तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे दोस्तों, जिसके लिए आपको अपना टर्नओवर सर्टिफिकेट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करानी होगी। बात करते हैं स्किल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का। यदि आपका एक्सपीरियंस 1 से 3 वित्तीय वर्षों का है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 3 से 5 वित्तीय वर्षों का है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और यदि आप स्किलिंग सेक्टर के अंदर 5 वर्ष से ज्यादा से काम कर रहे हैं तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे दोस्तों। बात करते हैं ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की। तो पिछले वित्तीय वर्षों के अंदर आपने यदि 100 से 500 बच्चों को पढ़ाया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 501 से 1000 बच्चों को पढ़ाया है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और यदि आपने 1000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे दोस्तों। जो क्राइटेरिया ट्रेनिंग के लिए रखा गया है वही क्राइटेरिया प्लेसमेंट के लिए भी रखा गया है दोस्तों। यदि आपने 100 से 500 बच्चों को अभी तक प्लेसमेंट करवाया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, यदि आपने 500 से 1000 बच्चों को अभी तक प्लेस करवाया है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और यदि आपने 1000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाई है तो आपको पूरे 15 नंबर मिलेंगे दोस्तों। यदि आपके पास एसएससी से सर्टिफाइड ट्रेनर हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों और यदि आपके पास कोई ट्रेनर उपलब्ध नहीं है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। जिन जॉब रोल की आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं उससे संबंधित आपके इंडस्ट्री टाइप्स कितने हैं इस बात का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। यदि 50 से 100 कैंडिडेट के लिए आपके पास प्लेसमेंट टाइप है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और यदि 100 से ज्यादा के लिए टाइप है तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे दोस्तों। बात करें यदि पेमेंट नॉर्म्स की दोस्तों तो पेमेंट नॉर्म्स आपको जो CCN कॉमन कैटेगरी नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रखे गए हैं। कैटेगरी 1 के जॉब रोल के लिए आपको 49 रुपीज पर आवर पर कैंडिडेट मिलेंगे, कैटेगरी 2 के जॉब रोल के लिए आपको 42 रुपीज पर आवर पर कैंडिडेट के लिए मिलेंगे और कैटेगरी
थ्री के जॉब रोल के लिए आपको 35 रुपीज पर आवर पर कैंडिडेट मिलेंगे दोस्तों। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप एनुअलम या फिर CNN की अपडेटेड गाइडलाइंस को भी गो थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप इस प्रोग्राम को रेजिडेंशियल मोड में रन करते हैं दोस्तों, तो आप एनुअलम या CNN की गाइडलाइन को एक बार दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं, जिसके अंदर रेजिडेंशियल के जो एरियाज हैं उनको XYZ कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। बात यदि पेमेंट की करें दोस्तों, तो आपको बैच वाइज इसके अंदर पेमेंट होगी 3 ट्रेंच के अंदर, 30%, 50% और 20%। पहला जो 30% है वो आप जब बैच शुरू करते हैं, आप अपने अटेंडेंस वगैरह वेरीफाई करते हैं, कैंडिडेट्स को वैलिडेट करते हैं, तब आपको 30% की इनवॉइस के लिए आप अप्लीकेबल होंगे। 50% जब आप कैंडिडेट्स की असेसमेंट करवा देते हैं, कैंडिडेट्स को सर्टिफाई कर देते हैं, तब आपको प्राप्त होंगे। और पेंडिंग 20% आपका जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है, आपके प्रोजेक्ट से क्या आउटकम आए हैं उनको देखते हुए आपको रिलीज की जाएगी दोस्तों। बात यदि एनेक्चर्स की करें दोस्तों, तो एनेक्चर 1 में आपको जो प्रीडिफाइंड फॉर्मेट दिया गया है टर्नओवर सर्टिफिकेट के लिए, एनेक्चर 2 के अंदर आपको जो आपने कैंडिडेट्स ट्रेंड किए हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करवानी होगी, किस स्कीम के अंदर किस प्रोग्राम में कितने कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया। एनेक्चर 3 के अंदर आपको प्लेस्ड कैंडिडेट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करवानी होगी, आपने किस प्रोग्राम के अंदर कितने कैंडिडेट्स को प्लेस किया। एनेक्चर 4 के अंदर आपके पास जो डोमेन सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, TOT सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, उनकी डिटेल्स देनी होगी। और एनेक्चर 5 के अंदर जो आपके इंडस्ट्री टाइप हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस जॉब रोल के लिए हैं, उन प्लेसमेंट टाइप की डिटेल्स देनी होगी दोस्तों। ये था दोस्तों एक धमाकेदार टेंडर जो MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला गया था। 7 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों, शाम के 4 बजे तक आप इस अपने पूरे प्रपोजल को अपने डिजिटल सिग्नेचर साइनिंग प्लस इनक्रिप्शन के साथ mptenders.gov.in पर जाकर के सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए दोस्तों Skill.ecomart के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और WhatsApp चैनल को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो Skill.ecomart की एक्सपर्ट्स की टीम आपके साथ हमेशा है, हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो भी सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।